नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं माह रमज़ान का महीना यानी रोज़े अब जाते अलविदा हो रहे हैं, और जिस तरह से ईद यानी कि 14 मई को ईद भी आ रही है, ईद उल फित्र का त्यौहार आ रहा है, और जिस तरह से आप जानते हैं साथ ही साथ लॉकडाउन की घोषणा भी की गई, और जिस तरह कोरोना महामारी ने एक विकराल रूप धारण किया, इसमें हर एक कोई इसकी चपेट आ रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, लगातार केसेस का आंकड़ा भी 5000 से ऊपर संक्रमित लोगों का आ रहा है, और साथ ही साथ मृत्यु का आंकड़ा भी 50 से ऊपर का डेली जो हमारे सामने आ रहा है, आंकड़े आ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इसी दौरान जो रोज़ा जिस तरह से रोज़दार रोज़ा रखते थे और बाजारों में इन्हीं दिनों में चहल पहल होती, पर कहीं ना कहीं इस कोरोना महामारी ने उन रौनकों को भी ख़त्म कर दिया है। आइए जानते हैं, जिस तरह से ईद का त्यौहार आ रहा है, यहाँ पे हमारे साथ मौलाना साहब भी जुड़े हैं। इस समय हम सरवाल जो कि मस्जिद के बिल्कुल पास है, यहाँ पर जो कि नमाज अदा करके लोग बाहर भी आए। सबसे पहले मौलाना साहब का नाम जानेंगे। मौलाना साहब, आपका नाम? मैं मोहम्मद रियाजुल हक नईमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक शिव टाइम में। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ईद का त्यौहार बिल्कुल पास है और जिस तरह से रोजे भी चल रहे हैं और 14 को ईद भी आ रही, ईद उल फित्र का त्यौहार आ रहा है, इस लॉकडाउन में क्या कहना चाहेंगे जनता से, किस तरह की सावधानियां बरतना चाहिए, और जिस तरह से ईद का दिन है, ईद की नमाज भी अदा करनी है, क्या कहना चाहेंगे, किन किन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है? इससे हम यही कहना चाहते हैं कि जो तरीका बताया गया है, हुकूमत ने भी, डॉक्टरों ने, सब ने, महकमा सेहत ने, कि थोड़ा फासला बना के रखें और ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, तो ये जो भी चीज़ें हैं, इनका नमाज भी अदा करनी है और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, क्योंकि इंसान की जो जान है वो भी बड़ी कीमती है। तो ये कोशिश हमें सबको मिलकर करनी है कि नमाज भी हो जाए और जो हमारी अपनी हिफाजत है, सिक्योरिटी है, वो भी बरकरार रहे, इसके साथ साथ किसी को दिक्कत ना आए। तो ये हमारा अपने मुस्लिम भाइयों से, बल्कि तमाम शहर के लोगों से ये गुजारिश है कि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ ना बनाएं और रश ना इकट्ठा करें, और जो बताया गया है फासला और जो तयशुदा है उसके ऊपर अमल करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये भी शख्स जुड़े हैं, इनसे नाम भी जानते हैं। सर, जिस तरह से अब ईद का त्यौहार भी आ रहा है और साथ ही साथ लॉकडाउन भी है, लोगों में जिस तरह से पहले त्यौहारों की खुशी होती, लोग खरीदारियां करते थे, सामान लेते थे, ज़रूरत का सामान भी, लॉकडाउन भी चल रहा है पर दुकानों का टाइम भी मुकर्रर किया गया, क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो, दिक्कतें सिर्फ इसलिए है कि ये जो महामारी जिसे जो वबा फैली है, दिक्कतें सिर्फ इसकी वजह से है। जी चलो, अगर जान रही तो अगले साल फिर शॉपिंग हो सकती है, पहले जान की हिफाजत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। तो लिहाजा जिस तरह हुकूमत ने, जहाँ महकमा सेहत ने बताया हुआ है कि उन तरीक़ों से हम सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहने, भीड़ भाड़ ना इकट्ठी करें, मस्जिदों में भी जहाँ पे नमाज अदा की जाएगी डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क का ख्याल रखें। जी, जिस तरह से सर पहले त्यौहार होते थे जब ये वबा नहीं थी, लोग एक दूसरों के घरों में जाते थे, खुशियां मनाते थे, किसी भी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर ये त्यौहार मनाते थे, रिश्तेदारों के घर में जाते थे, इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उसी वजह से है ना, ये जो वायरस जो फैला है कोविड-19, ये सिर्फ उसी की वजह से ही है। जी। अगर जान रही तो इंशाल्लाह अगले साल फिर एक दूसरे के घर आए जाएंगे, हिंदू मुसलमानों के घर जाएंगे। देखो, ईद का तब तक मजा नहीं आता जब तक हिंदू भाई हमें मुबारक ना दें, दिवाली का मजा नहीं आता जब तक हम उनको, हिंदू भाइयों को मुबारक ना दें, लिहाजा सबसे पहले जान की हिफाजत है, जान बच जाएगी तो अगले साल फिर मुबारक का दौर फिर चलेगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप जनता को, हमारे जम्मू कश्मीर के पूरे देश की जनता को ईद के मौके पर क्या बस यही है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें, उनको बल्कि गैदरिंग में ना कहीं भी आए, मास्क का इस्तेमाल करें, जहाँ भी जहाँ बैठे वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करें। हमारे मौलाना साहब ने यहाँ पर पूरे रमज़ान में, हमने मौलाना साहब ने रो इनटू कॉलम का डिफरेंस रखा हुआ है, बल्कि बार बार इन्होंने ताकीद की स्पीकर में भी कि जो भी अंदर आए मास्क पहन कर आएँ। हमारे मौलाना साहब ने बहुत ही हिफाजत रखी यहाँ पे मस्जिद में, तो अल्लाह का करम रहा, यहाँ से हमारा कोई केस नहीं, कोई पॉजिटिव नहीं आया है, ना किसी को बुखार। और ये भी कहा मौलाना साहब ने, अगर कोई बीमार है वो घर में ही रहे, उसकी वजह से दूसरे को अजियत ना हो। बिल्कुल। तो इन्होंने, मौलाना साहब ने पूरे रमज़ान में सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा, मास्क पे बड़ा जोर दिया, सब लोगों ने भी उस चीज़ को माना और हमारे इंशाल्लाह इस मस्जिद में सब ठीक रहा, कोई पॉजिटिव केस, कोई कुछ नहीं। हालांकि इस मोहल्ले में भी सरवाल, अहले सरवाल मोहल्ला में भी हिंदू भाई में, मुस्लिम भाई में बहुत कम कोई केस देखने को मिल गया, कोई इक्का दिक्का, यहाँ पे अल्लाह का बड़ा रहम करो। चलिए, हम ये दुआ करते हैं कि हर कोई इस वबा से बचा रहे। मौलाना साहब, क्या कहना चाहेंगे पूरे हमारे जनता को ईद के मौके पर, जिस तरह से ईद आने वाली है? पहले तो मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ
और जैसा कि मैं कह भी चुका हूँ कि ज़्यादा रश ना बनाएं, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें, और अगर हमारी ज़िंदगी बची रही तो इंशाल्लाह आइंदा साल हिंदू हमें मुबारकबाद देंगे, उनके त्यौहार पर हम उनको देंगे। ये जो भाईचारे में कोई कमी नहीं आई है, ये सिर्फ एक बीमारी जो मजबूत